हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अपने कोरिया जिला प्रवास के दौरान मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर चर्चा की। कौशिक ने खैरागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार के लगने के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल 16 अप्रैल को आने वाले परिणाम में विजयी होंगे। छत्तीसगढ़ में एक और उपचुनाव खैरागढ़ में हो रहा है आज, जहां पर मतदान हो रहा है। आने वाले 16 अप्रैल को वहां पर नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजे के लेके किस तरह की उम्मीद भाजपा की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद हैं। उन्हें से जानते हैं कि भाजपा को किस तरह की उम्मीद है खैरागढ़ में। बताएंगे कि किस तरह के नतीजों की उम्मीद भाजपा को वहाँ पर खैरागढ़ में। आज वोटिंग हो रही है और बड़े उत्साह के साथ में खैरागढ़ के लोग वोटिंग कर रहे हैं। 16 तारीख को मतगणना होगी, भाजपा की जीत सुनिश्चित है और बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं का जो हौसला है बुलंद है। खैरागढ़ के जनता ने मानसिकता इसलिए बनाया कि 3.25 साल में कांग्रेस की सरकार के बाद खैरागढ़ को जो तवज्जो मिलना चाहिए, वास्तविक में 10 साल पीछे धकेलने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। अभी खैरागढ़ की जनता ये बात पूछ रही थी कि 3.25 साल में आपकी क्या उपलब्धि है, क्योंकि 3.25 साल एक समय कार्यकाल की बात करेंगे तो बहुत लंबे समय है, लेकिन ये 3.25 साल में मुख्यमंत्री बताने की स्थिति में नहीं है। 36 घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया, 29 अभी जारी कर दिया, तो ये घोषणा पत्र की सरकार है और घोषणा पत्र जारी करते रहेंगे, उसका इम्प्लीमेंट होना नहीं है। खैरागढ़ के जनता ने नज़दीक से देखा है और इसके बाद में उन्होंने ये मन बना लिया है कि भाजपा पे इसे जिताएंगे। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास 70 विधायक है, कि ये जीत के हम 71 विधायक बना लेंगे। देखिए, 71 बना ले या 70 रह जाए बात वो नहीं है, बात यह है कि मुख्यमंत्री को 7 दिन क्यों रहना पड़ा। वो पूरे मंत्रिमंडल और उसके 70 विधायक के साथ में निगम मंडल के अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोमल जंघेल के लिए मुख्यमंत्री से लेकर के सारे फौज उनकी बैठी हुई है। बीजेपी के विधायक कोमल जंघेल की जीत होगी। अब थे धरमलाल कौशिक, जिनका कहना है कि जो खैरागढ़ में उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कोमल जंघेल, उनकी जीत होगी और नतीजे जो आएंगे वो भाजपा के पक्ष में होंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, कोरिया।